ओलंपिक से दो मेडल जीत के लौटी मनु भाकर का एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत हुआ। खेल मंत्री आज करेंगे उन्हें सम्मानित। ओलंपिक रेसलिंग फाइनल में मेडल की उम्मीद को झटका लगा है विनेश फोगाट, अयोग्य घोषित करार दी गई हैं। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम तेज हुई, कई एयरलाइंस ने भेजा विशेष विमान। बारिश ने रोक दिया है हिमाचल में जारी मिशन जिंदगी की रफ्तार, सड़क टूटने से फंसी रेस्क्यू की टीम। देश के कई राज्यों में आज मनाई जा रही है हरियाली तीज, अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। और चलिए लंच टाइम में बात करते हैं सबसे पहले पेरिस ओलंपिक में विजय पताका लहराने वाली मनु भाकर की, जिनकी वतन वापसी हुई है। पेरिस ओलंपिक में दो मेडल उन्होंने नाम किए, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल हैं। इतिहास रचा है और इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर आज देश लौट आई हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। मनु के स्वागत के लिए उनके परिवार, उनके रिश्तेदार समेत बड़ी संख्या में फैंस भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद फैंस ने उन्हें फूलमाला से लाद दिया, ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, सब बजाकर उनका जोरदार स्वागत हुआ। फैंस पूरे जोश में नाचते गाते हुए नजर आए। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इस टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय बन गई हैं। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी। खबर यह भी है कि मनु रविवार को होने वाली ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस पेरिस लौट जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेरिस ओलंपिक्स में दो मेडल के साथ वापस इंडिया आई मनु भाकर और उनके दोनों माता पिता भी शामिल हैं। मनु से बात करेंगे। मनु अभी भी कह रही थी कि 3 दिन हो चुके हैं और ये दर्द हो चुका है, यूज टू हो चुके हैं। आई थिंक अब तो स्टैमिना बन गया है यहाँ पे 3 दिन से भी एक्चुअली ज्यादा हो गए हैं। अभी मैं सोच रही हूँ तो जैसे पहला मेडल आया था उसके बाद दूसरा आया था तो काफी समय हो गया है। और ये जो सब जो लोग आए हैं इतनी तादाद में, ये जो पूरा अटेंशन मिल रहा है, इसको यूज टू होने में कितना टाइम लगा है? यूज टू होने की जरूरत नहीं है मैम, सारे अपने ही लोग हैं और मैं सबसे ही मतलब काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ बहुत सारे लोगों से, तो आई थिंक एक बड़ा परिवार की तरह देखती हूँ मैं। और एयरपोर्ट पे बारिश के बावजूद इतने सारे लोग थे, मेरी फैमिली से, गाँव से, हमारी जगह से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और काफी ओवरवेल्म सा फील कर रही थी बट काफी अच्छा लगा बहुत बहुत। एयरपोर्ट पे मम्मी ने चूरमा लेके गई थी, मिला खाने? मिला अभी तो रूम पे जाके खाएंगे आलू पराठे की भी तैयारी मैम ने कर रखी है यहाँ वो लीला होटल में, उन्होंने मैनेजर्स ने इतना अच्छा काम किया है, आते ही आई थिंक बहुत बढ़िया आलू का पराठे खा रहे हैं आज, सब आलू के पराठे खा रहे हैं आलू पराठा सब खा रहे हैं। और मुझे अच्छा ये बताइए, दो दो मेडल्स हैं, आप हमारे कैमरा पे दिखा दीजिए, कौन सा वाला ज्यादा स्पेशल था, पहला वाला क्योंकि पहला ओलंपिक मेडल था या दूसरा वाला ज्यादा स्पेशल था, कौन सा ज्यादा दिल के करीब है? आई थिंक दोनों के लिए ही काफी ट्रेनिंग की थी और काफी मेहनत की थी, तो मैं एक को ऐसे नहीं बोल सकती कि ये स्पेशल है या फिर ये स्पेशल नहीं है। दोनों की ही वैल्यू अपने आप में बहुत ऊंची है और आई थिंक काफी एफर्ट लगा है यहाँ तक आने के लिए, तो दोनों ही स्पेशल है।